चलो बात करते हैं आज के कंटेंट की वीडियो। आई होप कि आप लोग जल्दी से लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचा देंगे। मुझे लगा कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और बहुत सारे लोग जो है वो नीडेड होंगे इस टॉपिक को लेकर। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आप 100 भी नहीं पार करवा रहे हो यार, तो ऐसा तो मतलब कर दो यार, कभी कभी एजुकेटर्स के लिए भी कुछ किया करो। चलिए एनीवेज जो लोग आए हैं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कि देखो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो रिसर्च पेपर क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है उसको लिखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके क्वेरीज मेरे पास आती है, जो क्या बोलते हैं, जो ऐसे बोलते हैं कि जो रिसर्च पेपर है वो सिर्फ PhD स्टूडेंट ही लिख सकता है या कोई रिसर्च स्कॉलर ही लिख सकता है। तो देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है वो हम देखेंगे। किसी भी टॉपिक को कैसे चूज करना है रिसर्च के, या फिर जो टॉपिक है उसके बारे में कैसे सोचना है, उसके कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस आपको मैं देने वाली हूँ। जो प्रैक्टिकल प्रोसेस मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है। फिर आपसे हम बात करेंगे कि किसी भी रिसर्च पेपर को कैसे पब्लिश किया जाता है, फॉर्मेट क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, और भाई मेरे हिसाब से क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए कभी भी रिसर्च पेपर लिखने के लिए, ठीक है ना। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। ऑल्दो ये सारी चीजें मैंने थ्योरिटिकली आपको पढ़ाई है, फॉर्मेट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, कैसे रिसर्च पेपर को पब्लिश किया जाता है, उसके सारे जर्नल के नाम भी मैंने आपको सारे के सारे रिसर्च एप्टीट्यूड जब पढ़ाया था तब सारे बता चुकी हूँ। और सारे वीडियो जैसा बोला ना कॉमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगी, सब देख लेना प्लेलिस्ट पूरी की पूरी। सबसे पहले बात करते हैं कि रिसर्च पेपर होता क्या है। तो देखिए गाइज, मैंने आपको पहले भी समझाई थी ये चीज है ना, ज्यादातर बात मैंने आपको ये समझाई थी कि जो रिसर्च पेपर होता है ना, रिसर्च पेपर आपकी जो भी फाइंडिंग्स है, जो भी आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स है उसको जनरलाइज करने का या उसको पब्लिक करने का एक तरीका होता है। अब आपका मन में आता है कि मैम फिर रिसर्च आर्टिकल क्या होता है, तो रिसर्च आर्टिकल और रिसर्च पेपर इन दोनों में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि रिसर्च पेपर यूजुअली जो है वो ओरल रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया जाता है, जबकि रिसर्च आर्टिकल जो है वो क्या होता है, रिटर्न होता है और वो जो है वो पढ़ा जाता है। जबकि रिसर्च पेपर को आपने अक्सर देखा होगा कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जाकर आप लोग रीड आउट करते हैं, या अगर आपने भी कभी कोई रिसर्च कॉन्फ्रेंस अटेंड करी होगी तो वहां पर जो सारे साइंटिस्ट होते हैं, जो सारे रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, वो अपने अपने पेपर को रिसाइट करते हैं। समझ में आया क्या? तो सबसे पहले तो दिमाग में से निकाल देना, एक दिन आपका रिसर्च पेपर आपका रिसर्च आर्टिकल बन जाएगा या वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। सबसे बड़ी बात कि ये जो रिसर्च पेपर होता है ये कौन लिख सकता है, तो देखिए गाइस मैं फिर से आपको बोलती हूँ, ऐसा कोई भी कंपलसरी रूल नहीं है कि कोई PhD कर चुका है या PhD कर रहा है सिर्फ वही रिसर्च पेपर लिखता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिमाग में से निकाल देना ये बात, रिसर्च पेपर जो होता है वो कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट आदमी लिख सकता है, या कोई भी इंसान जिसने डिसर्टेशन में जो आ गया है या जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, बस सिर्फ इतना ही रिक्वायर्ड होता है। कोई भी, यानी कि आप भी अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो उसका मतलब क्या है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, तो आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी लिख सकते हो। इवन जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, अगर आप लोगों को याद हो कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग ने BA किया, BA करने के बाद आप MA करते हो, है ना, तो अब क्या हो रहा है, जैसे BA आपकी 3 साल की होती है, MA आपकी 2 साल की होती है, पर अब क्या होगा, आपने क्या किया, 4 साल पढ़ाई करी और 4 साल के अंदर अंदर अगर आपने इसका एक और साल इसमें दिया तो आपको ऑटोमेटिकली क्या बोल दिया जाएगा, आपको रिसर्च स्कॉलर बोल दिया जाएगा। आप यहाँ पर आराम से क्या लिख सकते हो, एक रिसर्च पेपर लिख सकते हो। तो अभी नहीं, पहले के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है कि क्या है कि कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट एक रिसर्च पेपर लिख सकता है। अब रिसर्च पेपर लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होती है जिसे आपको फॉलो करना होता है, और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कैसे किसी भी एक रिसर्च पेपर को परफेक्ट रिसर्च पेपर आप बना सकते हो। सबसे पहली बात तो देखो, कैरी आउट रिसर्च, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है डेफिनेटली आपने कोई ना कोई रिसर्च करनी होगी, तो सबसे पहली बात है कि रिसर्च करना है। ये जो चीजें है ना, ये पूरा सर्किल ऑफ लाइफ के जैसा है, कैसे टॉपिक चूज करना है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं भाई, कैसे आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है आउटलाइन को लेकर, है ना, कैसे आपने आउटलाइन के अकॉर्डिंग काम करना है, या फिर आपको कैसे गुड इंट्रोडक्शन लिखना है, प्रॉपर बॉडी क्या होनी चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें होती है, ये 8 स्टेप्स होते हैं जो आपके रिसर्च के होते हैं। अगर मैं आपको लॉजिकली बताऊं तो कोई भी जो रिसर्च पेपर होता है ना, रिसर्च पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसका सबसे पहली चीज जो होता है उसका टाइटल एंड एफिलिएशन, है ना, टाइटल एंड एफिलिएशन इंपॉर्टेंट होता है। टाइटल के बाद में आपको लिखना होता है एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट के बाद में आपके 3 गोल्डन रूल्स जो किसी भी एक रिसर्च पेपर के होते हैं, रिसर्च पेपर की बॉडी, बॉडी के अंदर क्या क्या आता है, बॉडी में आपका इंट्रोडक्शन आता है,
आपका लिटरेचर रिव्यू आता है, आपका मेथोडोलॉजी आता है, आपके रिजल्ट एंड डिस्कशन आते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, आपको लिखना होता है कंक्लूजन जो आपने अपनी रिसर्च के अंदर निकाला है। फिर आपका आता है रेफरेंस, और फाइनली आपका क्या आता है जो कि ऑप्शनल पार्ट भी होता है, जैसे आप जानते हो अपेंडिक्स वगैरह ये कुछ ऑप्शनल चीजें भी होती है, एब्रीवेशंस, एक्नॉलेजमेंट, अपेंडिक्स, ये सारी चीजें क्या है ऑप्शनल होती है। बट मेजर क्रक्स क्या है, मेजर क्रक्स जो होता है वो टाइटल, एफिलिएशन, एब्स्ट्रैक्ट, बॉडी, कंक्लूजन और आपका रेफरेंस, यही आपका पूरा रिसर्च पेपर में इंक्लूडेड होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट बात ये होती है कि किसी भी टॉपिक को कैसे चूज किया जाए। अब देखो गाइज, मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझाया था कि जो आपका रिसर्च का टॉपिक होता है उसे कैसे चूज करना है ना। मैंने आपको बताया था कि जो रिसर्च का टॉपिक होगा वो जितना कॉन्साइज होगा, जितना छोटा होगा उतना बढ़िया रहता है ना। यानी कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो बिल्कुल कॉन्साइज होना चाहिए। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेवल का होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम ये सारी बातें तो हमको बहुत सारे लोग बताते हैं, मतलब लिखे कैसे, कैसे किसी तरीके से रिसर्च टॉपिक को चूज करना है, कैसे चूज करना है, तो मैं आपको बताती हूँ। यहीं से शुरू हो जाएगा आपका क्या, यहीं से शुरू हो जाएगा आपका लिटरेचर रिव्यू वाला पार्ट। यानी कि आप क्या करोगे, सबसे पहले कुछ वेबसाइट चूज कर लो। देखो, गूगल स्कॉलर आप सबने सुना होगा, शोध गंगा आपने यूज किया होगा, मैंने खुद शोध गंगा यूज किया है। करना क्या होता है, आपने shodhganga.com पे चले गए, आप उसकी वेबसाइट पे गए, वहां पर अपनी डोमेन लिखो, अपनी डोमेन जो भी आपकी डोमेन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है कि आप ग्लोबल वार्मिंग पे कुछ ना कुछ रिसर्च करना चाहते हो। अब जैसे कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग जो सर्च करोगे ना, चाहे आप गूगल स्कॉलर पे गए हो या फिर आप किस पे गए हो, शोध गंगा पे गए हो फॉर एग्जाम्पल, अब आप वहां जाके क्या करो, वहां जाके अपनी डोमेन लिखो। उस डोमेन के अकॉर्डिंग जो भी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है हमारे देश में, जैसे शोध गंगा में तो सारी इंडिया की आ जाएगी, तो वहां पर देखो कि किन किन लोगों ने किस टॉपिक पे रिसर्च किया है, तो वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस टॉपिक पे जाना है, है ना। सबसे पहले आपको यही देखना है, क्या करना है, एक तो सर्टेन एस्पेक्ट आपके दिमाग में ऑलरेडी होंगे, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा, कोई ना कोई आइडिया होगा, पर उन सब चीजों को स्पेसिफिक बनाना है और मैनेजेबल बनाना है, तो सबसे पहले ये करना है। तो उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। रिसर्च टॉपिक चूज करने के लिए सबसे बढ़िया प्रैक्टिस क्या होती है, क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग मतलब क्या होता है, अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू करो। आपने जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर क्या किया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर कोई ना कोई सब्जेक्ट है जिसमें स्पेशलाइजेशन किया होगा, कोई भी हो सकता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी ने हिस्ट्री में एमए किया है, किसी ने ज्योग्राफी में किया है ना, कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ के आया है, सबका अपना अपना कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन होगा। उसके बाद आप क्या करो, आपके दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि आप रिसर्च में जाना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया होगा, उस क्वेश्चन को ही हाइपोथेसिस बोलते हैं। मतलब आप जाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि COVID-19 चल रहा है, अब COVID-19 का जो वीकर इकोनॉमिक सेक्शन है उसके अंदर क्या इफेक्ट हुआ है, ये आपके अंदर जानने की इच्छा है, समझ रहे हो क्या, इसको लेकर आप फाइंडिंग्स करना चाहते हो। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे, और अपने आप के साथ साथ सोशल मीडिया पर ये क्वेश्चन पूछना शुरू करो। इससे होगा क्या, आपके रिसर्च क्वेश्चन का फिल्टरेशन होगा, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, फिर आप ये जज करो कि क्या ऐसे सवाल कॉमन है, क्या बाकियों के बीच में भी आते हैं क्या, है ना। आप जैसे रेडिट हो गया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, स्लैक हो गया, ऐसी चीजों को यूज करो, और ज्यादा अपने जो रिसर्च के क्वेश्चन है उसको क्या करो, उसको पब्लिक में लेके जाओ, है ना, बहुत सारे लोगों से उसके बारे में बात करो, उनसे पूछो कि क्या आपके दिमाग में भी ऐसे सवाल आते हैं, क्या ये जनरल प्रॉब्लम है। इससे होगा क्या, सबसे बड़ा फायदा आपके रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा, फिल्टर होता रहेगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपको पता चलेगा कि जो मेरी रिसर्च में करने वाला हूं क्या वो जनरलाइजेबल है, क्योंकि रिसर्च टॉपिक सबसे छोटा होना चाहिए पर रिसर्च के आउटकम्स कैसे होने चाहिए, जनरलाइज्ड होने चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ऐसा करोगे तो क्या होगा, आपकी रिसर्च टॉपिक और ज्यादा कॉन्साइज होगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है वो होता है स्टेइंग पॉजिटिव। देखिए गाइस, रिसर्च जो है एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, चाहे आप नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग देख लो या पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग देख लो, रिसर्च एक बहुत ज्यादा पेशेंट जॉब है। ऐसा नहीं है कि आपने एक साल में कुछ पढ़ा या हाफ ईयरली एग्जाम्स की जैसा है कि भाई एक रात पढ़ लिया अगले दिन एग्जाम देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको अपना सीक्रेट बनाना होगा लर्निंग को, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तभी जाके काम निकलेगा, अदरवाइज काम नहीं निकलेगा। मिनिमम आपको पता है कि 3 से 4 साल की आपकी कोई भी रिसर्च प्रोसेस होती है, कोर्स वर्क होता है 6 महीने से लेकर 1 साल तक का, तब आप सीखोगे कि कैसे कैसे रिसर्च में और ज्यादा डीप जा सकते हैं, क्या क्या आपने फाइंडिंग लगानी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, अपने टॉपिक को लेकर कॉन्साइज बनो और अपने टॉपिक को लेकर पॉजिटिव रहो, समझ में आया क्या। जहां तक आपकी बात होती है
कि कोई भी हाइपोथेसिस आप बनाते हो या कोई भी रिसर्च टॉपिक आप चूज करते हो ना, एट द टाइम ऑफ रिसर्च प्रपोजल 90% ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि वो आपको टॉपिक नहीं दिया जाता है, टॉपिक फिल्ट्रेशन होता है और वो आपके गाइड के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाता है। समझ रहे हो क्या? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि आप लर्निंग को अपना प्रोसेस बनाओ। जैसे कि यहाँ पर मैंने इमोटिकॉन भी लगा दिया है आपके लिए कि सबसे बड़ा सीक्रेट क्या होना चाहिए, कि आपको हमेशा लर्न करना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान लिख सकते हैं बिल्कुल। तो आपने सबसे पहले देखना होगा कि क्या आपके पास रिसर्च का टॉपिक है, ये आपको देखना होगा, आपको समझना होगा कि क्या आपका रिसर्च का टॉपिक है, क्या वाकई में आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, चाहे वो लिटरेचर रिव्यू में भी मैं बताऊंगी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप ना .com वेबसाइट जो होती है, क्योंकि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक से रिलेटेड .com वेबसाइट पे बहुत सारी खबरें होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और एक .org पे होती है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें बता रही हूँ जो मैं यूज करती हूँ। आपके लिए मेरी एक एडवाइस है कि जब भी लिटरेचर रिव्यू करो, क्योंकि टॉपिक के बारे में जानना कि इस टॉपिक पे लोग कितना काम कर चुके हैं, क्या ये टॉपिक वाकई में सर्टेन है, क्या जनरलाइजेबल है क्या, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ना .com को अवॉइड किया करो, कमर्शियल वेबसाइट जो है ना इनको अवॉइड किया करो, और .org जो है ना उन पर जाके आप फिल्टरेशन किया करो। अगर किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है ना तो मेरे हिसाब से .org को आप चूज किया करो और .com को आप मेरे हिसाब से तो अवॉइड किया करो, क्योंकि .com कमर्शियल वेबसाइट है, वहां पर बहुत सारी चीजें कमर्शियलाइजेशन के लिए लिखी गई है, बट मेरे हिसाब से .org वेबसाइट जो है वो आपके लिए अच्छी होती है, राइट। तो इसलिए बहुत बढ़िया बात है अगर आप .org पे जाते हो। अगर आपने ये सब कर लिया, रिसर्च टॉपिक या हाइपोथेसिस आपने सोचा कि हाँ मेरा ये रिसर्च क्वेश्चन है, उसको आपने फिल्टर भी कर लिया, चाहे गूगल स्कॉलर से किया हो, गूगल स्कॉलर पे आपको पता है पूरे वर्ल्ड के होंगे। गूगल स्कॉलर को लेकर भी एक टिप्स है, जो कीवर्ड यूज करते हो ना आप गूगल पे टाइप करते हो जब गूगल स्कॉलर में, तो कीवर्ड जो है वो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर रखा करो, ताकि आपकी स्पेसिफिक डोमेन की तरफ आप जाओ और जो साइटेशंस देखते हो ना, नंबर ऑफ साइटेशंस कितने मिले हुए हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर को, उसका काउंट देखा करो कि ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको मैक्सिमम 2 से 3 साल पहले तक के ही पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2011 का रिसर्च पेपर पढ़ के अकॉर्डिंग आज के रिसर्च टॉपिक को चूज कर रहे हो, भाई ऐसा मत करना, ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि 2011 की बातों को अभी यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जितना ज्यादा आपका टॉपिक रेलेवेंट होगा करंट सिनेरियो से, करंट सिचुएशन से, उतना ही बढ़िया है। अब 2011 में तो GST था ही नहीं, अब मान लो किसी ने GST वहां पे पढ़ के अगर लगा दिया कोई रूल तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं करना है ना। पिछले 2-3 साल के रिसर्च पेपर्स पढ़ो आराम से, साइटेशंस के अकॉर्डिंग पढ़ो और एक जर्नल का नाम देखो कौन सी जर्नल में गया है ना, इंटरनेशनल जर्नल के अंदर ही सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। चाहे आप शोध गंगा की बात कर लो, शोध गंगा में भी अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको फिल्टर होके मिलेगा, है ना। कोशिश करो कि वहाँ के जो साइंटिस्ट लिखे हैं या जो स्कॉलर्स लिखे हैं रिसर्च स्कॉलर्स के नाम, उनको मेल भेजो, सबकी एक कॉरेस्पॉन्डिंग मेल आईडी आपको प्रोवाइडेड होती है, उनको मेल करो, है ना, उनसे बातचीत करो, अपने टॉपिक को और ज्यादा फिल्टर करने की कोशिश करो। और जेन्युइनली कोई आपको मना नहीं करेगा, अगर वाकई में कोई रिसर्च स्कॉलर है तो उसको मजा आता है कि कोई उसकी रिसर्च के बारे में बात करे या फिर कोई उससे कुछ सीख सकता है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ऐसा हेजिटेशन मत रखना, डेफिनेटली सबको मेल भेजो, आपका डेफिनेटली कभी ना कभी जवाब आएगा। फिर आती है कि आपने एक अच्छी आउटलाइन बनानी है। अच्छी आउटलाइन बनाने का मतलब क्या है, आपका अच्छा टाइटल पेज होना चाहिए, एक एब्स्ट्रैक्ट, एक आपका इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, फाइंडिंग्स और रिजल्ट, फिर डिस्कशन, फिर कंक्लूजन और फाइनली आपको रेफरेंस लगाना होता है। इस तरीके से पूरा सीक्वेंस चलता है। देखो अब मैं आपको समझाती हूँ और हर चीज को लेकर, देखो मैंने काफी रिसर्च करी है इस वीडियो को बनाने से पहले, तो मैंने कुछ टिप्स लिखे हैं और मैंने कुछ बातें लिखी हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और कुछ बातें जो आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आपकी पूरे के पूरे जो रिसर्च पेपर होता है उसकी 3 मेजर चीजें होती है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, है ना। रिसर्च क्वेश्चन आपका या थीसिस स्टेटमेंट जो होता है वो आपके इंट्रोडक्शन में आना चाहिए, आपके रिसर्च का रिजल्ट, आपके रिसर्च के आर्ग्यूमेंट्स जो है वो किस में आने चाहिए, बॉडी में आने चाहिए, और आपकी जो भी समरी है या जो भी सिग्निफिकेंस है आपके टॉपिक का वो आपने कंक्लूजन में दिखाना होता है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब सबसे पहली चीज उठा के देखते हैं कि टाइटल में क्या करना होता है। देखिए गाइस, टाइटल और अफिलेशन ये आपका सबसे पहली चीज होती है आपके रिसर्च पेपर के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे टॉप पे जो चीज दिखेगी वो ये है। ये तो वो बोला जाता है ना, एक सेइंग होती है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, एक्चुअली मैं रिसर्च पेपर में ये फॉलो नहीं करती है। योर रिसर्च पेपर विल डेफिनेटली गोइंग टू बी जज बाय योर टाइटल एंड अफिलेशन। टाइटल का मतलब क्या है, आपको आपका टाइटल बिल्कुल सर्टेन देना है, एकदम सटीक देना है, बहुत शानदार देना है। और देखो टाइटल के अकॉर्डिंग मेरी आपको यही राय है कि टाइटल आपका होना चाहिए लिमिटेड। टाइटल कैसा होना चाहिए आपका, लिमिटेड। लिमिटेड से मेरा मतलब क्या है, टाइटल के अंदर पूरी कहानी नहीं लिखनी है,
है ना, बचपन में जैसे लिख के आ जाते थे ना, वैसा नहीं करना है। क्या होना चाहिए? लाइकेबल टाइटल क्या होता है? जो कि लिमिटेड होगा। क्या होगा? लिमिटेड होगा। लिमिटेड से मेरा क्या मतलब है कि 5 वर्ड से लेकर आप लगभग 15 वर्ड्स के बीच में अपना टाइटल लिखो। और टाइटल के अंदर कोशिश ये करनी होती है कि रेलेवेंट ज्यादा से ज्यादा हो, कॉन्साइज हो। आपने सिंगल फ्रेज यूज करना है ना। जब भी आप देखोगे ना, सिंगल फ्रेज के अंदर अगर आप टाइटल लिख रहे हो तो वो ज्यादा कैची होता है। ज्यादा कैची होता है। अगर ज्यादा कैची होगा तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी होती है कि एब्रीवेशन जो होते हैं ना, जो शॉर्ट फॉर्म्स होती है ना, जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, उन्हें आप अवॉइड करो तो बेटर है। यूजुअली जो होते हैं, जितने भी इंटरनेशनल रिसर्च पेपर आप पढ़ोगे इंटरनेशनल जर्नल के अंदर, उसमें आपने देखा होगा कि एब्रीवेशन जो होते हैं ना, उनको यूज नहीं किया जाता। और ऐसे जैसे आपने लिखना है बिकॉज, तो ऐसे मत कर देना कि आपने बिकॉज को इस तरीके से लिखा। इसे हम लोग बोलते हैं टेक्निकल राइटिंग। सो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये बहुत मेजर इफेक्ट डालती है आपकी रिसर्च पेपर पे। उसके बाद आती है बात एफिलेशन की। देखो, एफिलेशन का मतलब क्या होता है? आपने फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिसर्च का टाइटल लिख दिया, कोई भी टाइटल आपने लिख दिया, और ज्यादा से ज्यादा 15 वर्ड्स का रिसर्च टाइटल आपने लिखा है। टाइटल के लिखने के जस्ट नेक्स्ट लाइन के अंदर आपको लेना होता है एफिलेशन। एफिलेशन में मैंने आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में भी समझाया था ये चीज, कि जो आपका एफिलेशन होता है ना, एफिलेशन में नाम आता है रिसर्च स्कॉलर का, जिसका भी ये रिसर्च पेपर है। सबसे पहले आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हो, आपने अपना नाम लिख दिया है ना, जिसका भी सबसे ज्यादा इफेक्ट है ना उस रिसर्च पेपर में, उसको आपने बोला कि मेरा सबसे ज्यादा एफर्ट लगा है तो मैंने अपना नाम लिखा। अपना नाम लिखने के बाद आप कॉमा लगा के आपके गाइड का नाम या जिससे भी आपने सीखा है उसका नाम लिख सकते हो। ऐसे करके आपने 3-4 नाम लिख दिए। बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और फिर आपने इनके सुपरस्क्रिप्ट को यूज करते हुए फुटनोट भी बनाने होते हैं, बताना होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से है ये, या कौन है जो गाइड, कहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, ये सारी उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। साथ ही साथ अपने सुपर स्क्रिप्ट में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो, तो आपके सुपर स्क्रिप्ट में आपका एक कॉरेस्पॉन्डिंग ईमेल आईडी भी देना होता है। इससे होगा क्या कि कोई भी जो आपका रिसर्च पेपर साइट करेगा तो वो आपसे कनेक्ट कर सकता है ना, आपको मेल कर सकता है। आपके रिसर्च पेपर में अगर इंटरेस्टेड है तो आपको बातें बता सकता है। मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका रिसर्च पेपर पढ़ती है और आपको आगे जाने के लिए है ना, मास्टर्स इन मतलब बेसिकली आपने डॉक्टरेट में अगर आगे जाना है, वहां पर जाके अगर आपको वो करना चाहती है बेसिकली है ना, सपोर्ट करना चाहती है, या आपको फेलोशिप अमाउंट देना चाहती है, तो कैसे कांटेक्ट करेगी? तो उसके लिए आपको अपना ईमेल आईडी भी दे देना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताती हूँ जो प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ना 70-30 का रेशियो होता है। 70% इम्पोर्टेंस जो है, वो जो पहला नाम आप लिखते हो ना, उसको दिया जाता है। माना जाता है कि 70% काम इस पहले लिखे हुए आदमी ने ही किया है और बाकी बचे हुए को 30% जाता है। तो 70-30 का रेशियो चलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होती है। साथ ही साथ अपने आप का डेजिग्नेशन आपको यहाँ नहीं लिखना होता है। ऐसा नहीं रिसर्च स्कॉलर और फिर अपना नाम लिखा, या असिस्टेंट प्रोफेसर और अपना नाम लिखा। इन सब चीजों को अवॉइड किया करिए। यूजुअली जितने भी इंटरनेशनल पेपर्स होते हैं, यहाँ पर आपने कभी नहीं देखा होगा कि ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज 70-30 रूल याद रखना है। एफिलेशन कैसे देनी है, एफिलेशन के फुटनोट कैसे बनाने हैं, वो मैंने आपको बताया। दूसरी चीज होती है कि किसी भी रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है। देखो, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको सारे क्रक्स बता दूं। तो रिसर्च का एब्स्ट्रैक्ट लिखना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, क्योंकि आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़कर ही पता चलेगा कि अंदर आपके जो भी आपने रिसर्च पेपर में लिखा है, जो भी आपकी फाइंडिंग्स है, वो सारी चीजें कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। अगर आपने अच्छे से एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा है तो कोई मतलब नहीं होने वाला है। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट को अच्छे से नहीं लिखा ना, तो कुछ भी नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट करता क्या है, एक जनरल गाइडलाइन देता है आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट की। जो भी आप रिसर्च पेपर में करना चाहते हो ना, इसका एक जनरल आइडिया देता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके एब्स्ट्रैक्ट में लिखी जाती है, सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंस बतानी होगी कि आप ये जो रिसर्च कर रहे हो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उसका इंट्रोडक्शन देना होता है। बेसिक बताना होता है कि मैं इस रिसर्च में, आप अपना रिसर्च हाइपोथेसिस भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। बट ये याद रखना कि 300 वर्ड्स का अप्रोक्सीमेटली आपका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ बातें आपने इंपॉर्टेंस के बारे में लिख दी, फिर आप बता सकते हो कि आपका जो मेथड है वो आपने क्या यूज किया है, आपने जो रिसर्च करी है उसमें आपने एक्चुअली में किया क्या है, व्हाट यू हैव एक्चुअली परफॉर्म, या व्हाट यू डिड, आपने क्या किया, वो आपको लिखना होता है ना। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, अपने रिजल्ट को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना होता है कि मैंने एक्चुअली में फाइंड क्या किया है ना, मैंने क्या फाइंड किया है इस रिसर्च पेपर के थ्रू, वो आपको लिखना होता है। और फाइनली आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बतानी होती है, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब क्या होता है, आपको ये बताना होगा कि जो ये मैंने रिसर्च करी है वो कहाँ पे इम्प्लाइड है ना, कितनी जनरलाइजेबल है, इम्प्लीकेशन क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरा है फील्ड साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी में मैंने कोई पर्टिकुलर देख लिया, मैंने फॉर एग्जाम्पल DDoS देख लिया। अब उस DDoS के अंदर
मैं बता सकती हूँ कि देखो कि आजकल बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो रहे हैं और फलाना फलाना जगह, बिल्कुल स्पेसिफिक होना होगा आपको, ऐसे नहीं कि हवा में बातें लिख रहे हो, बिल्कुल स्पेसिफिक लिख सकते हो और लिखना ही होगा, बिल्कुल स्पेसिफिक बता सकते हो कि देखो इस देश के अंदर ऐसी चीजें हो रही है या हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतने ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं, तो वहां पर हम इस सिस्टम को लगा सकते हैं या ये जो आपने फाइंडिंग लगाई है इसको आप लगा सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपका फायदा हो जाएगा, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एक चीज जो एब्स्ट्रैक्ट में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है करते हुए, या इवन मैंने भी बहुत चीजें जब सीखी तो बताती हूँ, कभी भी एब्स्ट्रैक्ट के अंदर रेफरेंस नहीं लिखना होता है। एब्स्ट्रैक्ट में आपको रेफरेंस नहीं देना है कि मैंने ये चीज कहाँ से सीखी, ना ही आपको कोई भी टेबल, कोई भी चार्ट या कोई भी फिगर, ये सारी चीजें आपको कभी भी एब्स्ट्रैक्ट के अंदर नहीं लिखनी होती है। और साथ ही साथ अगेन मैं बोलूंगी कि एब्रीवेशन जैसी चीजों को भी अवॉइड करिए, जहां नेसेसरी है वो बढ़िया बात है, बट अदरवाइज आपको एब्रीवेशन लिखने की यहाँ पर कोई नीड नहीं होती है। कोशिश करिएगा कि फुल चीजें आप लिखें, है ना। एब्रीवेशन वगैरह चीजें बॉडी में यूज कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता एब्स्ट्रैक्ट में आपको इसे यूज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी कि बॉडी कैसे लिखनी है, क्योंकि अब बॉडी लिखने का बात आ गई है। और बॉडी में जैसे मैंने आपको बताया, आपका इंट्रोडक्शन, आपका मेथोडोलॉजी सेक्शन, फिर आपका लिटरेचर रिव्यू, फाइंडिंग्स, रिजल्ट्स और आपका डिस्कशन, ये सारी की सारी चीजें आपकी आएगी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। ये कहाँ पर आएगी, बॉडी के अंदर आएगी। अब देखो इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में आपको आपका बेसिक पूरा बताना होगा, आपको समझाना होगा कि आप इस रिसर्च में क्या करना चाहते हैं, है ना। जो भी सारी चीजें आप करना चाहते हो रिसर्च के अंदर, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होगी। मेथोडोलॉजी सेक्टर के अंदर या सेक्शन के अंदर आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आपने कौन सी रिसर्च प्रोसेस को यूज किया, आपका एक्सपेरिमेंटेशन क्या था, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए आपने क्या लिटरेचर रिव्यू किया। चैप्टर वाइज आप बता सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना। चैप्टर वाइज आप आराम से समझा सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो, लिटरेचर रिव्यू एक्चुअली पहले आएगा, है ना। आराम से आप समझा सकते हो चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वन, चैप्टर टू। अब यहाँ पर देखो बहुत बढ़िया बात, एक चीज जो मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट टिप हो सकती है, यहाँ पर आप चार्ट्स का यूज करो, है ना, फॉर्मूलाज का यूज करो, आप यहाँ पर फिगर्स का यूज करो, यहाँ पर आप फॉर्मुलेज, है ना, यूज चार्ट, चैप्टर वाइज ये सारी चीजें एक्सप्लेन करोगे, जितना ज्यादा फ्लो चार्ट के थ्रू। यहाँ पर बेसिकली आपको समझाना है कि आपने क्या किया है, है ना, आपको यहाँ पर समझाना है, तो आराम से समझाइए। एब्स्ट्रैक्ट छोटा बनाना होता है, ठीक है ना, सिनॉप्सिस जो है उसे छोटा बनता है एब्स्ट्रैक्ट, ऑल्दो बात मीनिंग दोनों का सेम ही है, ठीक है ना। तो चार्ट्स आप यूज करो, फॉर्मूलाज यूज करो, फ्लो चार्ट, है ना, डायग्राम आप यूज कर सकते हो, फिगर आप यूज कर सकते हो, है ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स का आप यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ लगा सकते हो, है ना। लिटरेचर रिव्यू करते समय या नोट डाउन करते समय एंड नोट और फुट नोट का ध्यान रखना होता है, है ना। एंड नोट या फुट नोट क्या होता है इसका हमें ध्यान रखना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुकी हूँ अपने रिसर्च के। फिर फाइनली आपकी फाइंडिंग्स आती है, आपके रिजल्ट्स आते हैं, यहाँ पर आप आराम से समझा सकते हो, इवन टेबल भी बना सकते हो, है ना, कोई डिफरेंस टेबल। फॉर एग्जाम्पल आपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर किसी एक पुराने लिटरेचर को पढ़ा और आपने देखा कि इस लिटरेचर रिव्यू में हमने ये सारी चीजें लिमिटेड देखी, मतलब लिमिटेशंस आप फाइंड कर सकते हो और आप अपना भी बता सकते हो कि मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐसी चीजें भी हो सकती थी। तो आपकी जो रिसर्च फाइंडिंग आई और जो उस पर्टिकुलर पेपर जिसका रेफरेंस आपने दिया लिटरेचर रिव्यू में, उनके बीच का डिफरेंस भी शो कर सकते हो, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा, है ना, टैक्स रेशियो के बारे में देखा, तो आप अपना भी बता सकते हो फाइंडिंग्स और उनकी भी फाइंडिंग्स बता सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो, तो इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हो। डिस्कशन के लिए मुझे लगता है कि अगर आप किसी अंडर गाइड के काम कर रहे हो तो आपके लिए ज्यादा स्पेसिफिक हो सकता है। ऑल्दो जब आप पहला अपना रिसर्च पेपर लिखते हो तो आप अपने सजेशंस, मुझे नहीं लगता कि इतने फॉर्मली हम दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा, राइट। हाँ, चार्ट्स का यूज कर सकते हो, आराम से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपके रेफरेंसेस वाला जो पार्ट है ना, उस पर भी आपको ध्यान देना होता है, है ना। ऑल्दो कंक्लूजन कैसे लिखना है इसको लेकर मैंने सारी बातें यहाँ पर लिखी है। कंक्लूजन लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिग्निफिकेंस पे ध्यान दो, कि जो भी आपने फाइंड किया है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहां तक उसका सिग्निफिकेंस हो सकता है। हाँ बिल्कुल अंकिता, डिसर्टेशन में भी सेम चीज फॉलो होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां भी आप रिसर्च पेपर लिखना ही सीखते हैं। अब जब आपने ये सारी चीजें कर ली है, है ना, तब आपको लगानी है एडिटिंग। एडिटिंग का क्या मतलब है, आपको देखना है कि ये जो डैगलिंग मॉडिफायर्स हैं इनको आपने देखना है, इनको जज करना होगा। आपको ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ना, सच एज, टू, इन सब चीजों में ध्यान रखना होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक से बचना होगा, स्पेलिंग मिस्टेक से बचना होगा, एब्रीवेशन जितने कम यूज करो उतना अच्छा होगा, इन सब चीजों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। फिर जो मैंने लिखा स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर प्लूरल वर्ड्स, कोटेशंस, इन सब चीजों को ध्यान रखना होगा, कहाँ पे कॉमा लगाया है,
है ना, कॉन्ट्रैक्शन आपने इंक्लूड करना है या नहीं करना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्लैगरिज्म के बारे में। अब सबको ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी है कि प्लैगरिज्म गलत बात है, और प्लैगरिज्म अगर आप करोगे तो कभी भी आपका रिसर्च पेपर जो है वो सिलेक्ट ही नहीं होगा। तो देखो, प्लैगरिज्म और एक्सेप्टेड प्लैगरिज्म, ये दो बहुत बड़े अलग अलग चीजें होती है। यूजुअली क्या होता है, आपको लगता है कि कहीं से आपने कोई भी चीज पढ़ी है या कहीं से कोई भी रिसर्च पेपर या लिटरेचर रिव्यू से आपने कोई चीज उठाई है, तो आप अगर अपने रिसर्च पेपर में उसे लिखोगे तो वो प्लैगरिज्म चला जाएगा। देखो, ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी अपना रिसर्च पेपर किसी और के रिसर्च पेपर को देखे बिना या खुद ही सारी चीजें अपने आप से लिखे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। टॉपिक के पिक्चर्स यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं जी, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, है ना। रेलिवेंट पिक्चर्स होनी चाहिए और एक्सप्लेनिंग होनी चाहिए पिक्चर्स। ऐसा नहीं है कि आप GIF यूज कर रहे हो, फोटोज यूज कर रहे हो, ऐसा मत किया करो। हाँ बट हाँ, रेलिवेंट पिक्चर्स हो सकती है, एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए। तो प्लैगरिज्म और एक्सेप्टेड प्लैगरिज्म, ये दो बड़े अलग अलग चीजें होती है। इस पे पूरा एक सेपरेट वीडियो मैं बना सकती हूँ। ऑल्दो आपको बताती हूँ, अगर आपने ठीक तरीके से रेफरेंस लिखा है ना, तो आपके प्लैगरिज्म को डरने की कोई बात नहीं है। अब जो रेफरेंस होता है वो बहुत अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। जैसे कि आपका APA फॉर्मेट होता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल फैक्टर, है ना, इसके अकॉर्डिंग आपका MLA होता है, इसके अलावा आपका हार्वर्ड होता है। ये सब चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है क्लासेस के अंदर। वैनकूवर होता है, यूजली जितने भी इंटरनेशनल जर्नल्स मैंने आज तक देखे हैं उसमें वैनकूवर या फिर हार्वर्ड यूज होता है। इसके अलावा हमारे देश में APA सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, APA और MLA, ये दो फॉर्मेट है जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको MLA और APA के बारे में तो बताया है, आज मैं आपको हार्वर्ड या वैनकूवर के बारे में बताती हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल, हमारा काम है जनरल आर्टिकल से। देखो, बुक्स के लिए अलग होता है, जनरल के लिए अलग होता है, थीसिस के लिए अलग होता है। अगर जनरल आर्टिकल की हम लोग बात करें ना, तो देखो कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मेट यूज करना होता है कि नेम कहाँ पर आएगा, और नेम के बाद अगर आप लोगों को याद हो वो क्लास जिसमें मैंने आपको बताया था ETAL कब यूज होता है, जब आपने एक से ज्यादा जनों को रेफरेंस देना होता है तो आप इस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, है ना। OC कहाँ यूज होता है, सॉरी OP कहाँ यूज होता है, आई होप सब चीजें याद आ रही होगी, है ना। बिब्लियोग्राफी में जो यूज करते हो सब चीजें याद हो रही होगी, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है डीप के अंदर, है ना। प्लेलिस्ट जो है वो आपके पास है रिसर्च के, आप देख सकते हो, कंफर्म भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर देखो कि हार्वर्ड स्टाइल की हम लोग बात करें, तो हार्वर्ड स्टाइल में क्या होता है, देखो हार्वर्ड स्टाइल के अंदर किस तरीके से लिखा जाता है, बुक का नाम जो आपने यूज किया या बुक के राइटर्स, उसके बाद लास्ट नेम फर्स्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम, फिर ईयर कब है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप रेफरेंस लिख सकते हो। कोट्स का यूज करना ना भूले, एक्सेप्टेड प्लैगरिज्म में ये चीजें आती है ना, किस तरीके से आपने कोट्स का यूज किया है। कोट्स का यूज करने के अलावा जो भी आपने रेफरेंस लिया है, अगर उसका फॉर्मेटिंग ढंग से किया है, उसकी एडिटिंग ठीक तरीके से करी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज एन एक्सेप्टेड तरीका, है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीजें हैं जो लिस्ट डाउन करी है, और इसके अलावा मैंने जो आपको चीजें बताई, लाइक फॉर एग्जाम्पल एब्रीवेशन, एक्नॉलेजमेंट और अपेंडिक्स, ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो आपकी ऑप्शनल होती है। ये चीजें आपको इंक्लूड करना जरूरी नहीं होता, ये ऑप्शनल चीजें होती है, इनको भी आप लिख सकते हो, ऐसा कोई मना नहीं कर रहा है, डेफिनेटली लिख सकते हो। रेफरेंस के पहले एक्नॉलेजमेंट आएगा, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, अपने गाइड को, सबको एक्नॉलेज कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद रेफरेंस आप लिखते हो, फिर अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के अंदर आप कोई टेबल यूज कर सकते हो, कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपने रिसर्च पेपर में कोई टेबल यूज किया है, है ना, तो टेबल्स के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि इस टेबल में ये लिखा है। एब्रीवेशन, अगर आपने अपनी बॉडी में बहुत सारे एब्रीवेशंस यूज किए हैं, तो उन एब्रीवेशंस का भी आप यूज करके बता सकते हो, कि फॉर एग्जांपल आपने ICT यूज किया, तो हर बार आप ICT की फुल फॉर्म लिखो, इससे अच्छा है ICT आपने यूज किया है उसका नीचे एब्रीवेशन दे दोगे तो भी आपका काम निकल जाएगा, तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। अगर मैं बात करूं अनरिटन रूल्स कुछ होते हैं, अगर आपने पब्लिश नहीं किया अपने रिसर्च पेपर को, तो इसका मतलब ये है कि आपने काम ही नहीं किया है। अगर आपने रिसर्च पेपर लिख लिया है, UGC की वेबसाइट पे जाइए, UGC की जो ऑनलाइन वेबसाइट है उस पे जाओ, वहाँ पे UGC सर्टिफाइड साइटेशंस होते हैं, और साथ ही साथ UGC की सर्टिफाइड जनरल्स भी होती हैं, उन जनरल्स के अंदर अपने पेपर को पब्लिश करवाओ, समझ रहे हैं। वहाँ पे जाके आप अपनी PDF को अपलोड कर सकते हो, वहाँ पर आप बोल सकते हो कि हमें ये पब्लिश करवाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जिसने भी आपका पब्लिश किया है सबसे पहले उसको क्रेडिट दिया करो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जब भी आपके रिसर्च पेपर का पहला रफ ड्राफ्ट आप तैयार कर लेते हो ना, तो उसको पीयर रिव्यू के लिए दो। पीयर रिव्यू मतलब क्या होता है कि आप अपने आसपास के लोगों को, जो भी आपकी रिसर्च से रिलेटेड है या जो भी और रिसर्च कर रहे हैं, उन सबके पास अपने रिसर्च पेपर को दिया करो ना। उससे क्या होगा कि जो भी आपने छोटी छोटी गलतियां करी है ना, वो रेक्टिफाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जाइए, एक बहुत हेल्पिंग एनवायरनमेंट होता है, जो रिसर्चर्स होते हैं वो काफी हेल्पिंग होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ गलत बता देंगे या कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो पीयर रिव्यूइंग एक बहुत बड़ी चीज होती है।
जो भी आपने चीजें करी है या जो भी फॉर्म आपने यूज किया है उनको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, क्योंकि अगर आपने अपना रिसर्च पेपर लिखा है उसके अंदर लिखी हुई एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जब आप जनरल पढ़ोगे अपनी जनरल या सॉरी अपने सेमिनार में जाके कॉन्फ्रेंसेज में जाके अपना रिसर्च पेपर पढ़ोगे, एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो भी आपने पेपर अपना लिखा है उसको अपने 6 महीने के अंदर अंदर कवर करने की कोशिश किया करो और देखा करो कि इसका जनरलाइजेशन फ्यूचर में बहुत दूर तक जाए। ऐसा नहीं कि आपने जो भी रिसर्च पेपर लिख दिया वो चलो लैप्स हो जाए है ना 1 साल के अंदर, ऐसा नहीं। आपकी जो फाइंडिंग्स है वो काफी जनरलाइजेबल होनी चाहिए, काफी बड़े स्कोप की होनी चाहिए, बट आपका जो रिसर्च पेपर है वो ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबा समय ले रहे हो, 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपना रिसर्च पेपर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है ना। डिसर्टेशन के समय पर आपको पता है कि काफी काम आप सीखते हो, या फिर जो कोर्स वर्क हम पीएचडी में करते हैं ना उसके अंदर भी ये होता है, राइट। तो ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो रिसर्च पेपर के बारे में मैंने लिखी, और कोशिश करी कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प डेफिनेटली इससे हुई होगी। अब आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, आपके जो भी सवाल हैं उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कल 8 PM पे मैंने एक स्पेशल क्लास लगाई है ना, एक स्पेशल क्लास लगाई है जहाँ पर आप बोलेंगे और मैं सुनूंगी, तो आपके जो भी डाउट है मैं कोशिश करूंगी कि जितना भी मुझे आता है मैं आपको समझा सकूं, ठीक है ना। मैम फील्ड वर्क इज कंपल्सरी और नॉट, नहीं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी होता है, थ्योरेटिकल रिसर्च भी होती है ना, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। थ्योरेटिकल रिसर्च भी होती है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स होते हैं जिसमें फील्ड वर्क नहीं जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपेरिमेंटेशन का तरीका क्या है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ बात पूछनी है या मेरी स्पेशल क्लासेस के लिंक देखने हैं तो देखो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो और मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करके जाना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं ये सारी बातें आपसे और आगे जाके भी शेयर करूँ। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके फिर से आपके सामने आऊंगी। फिलहाल थैंक यू सो मच, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करना, और जिन्हें भी रिसर्च पेपर लिखना है या जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनसे जरूर शेयर करिएगा, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।